एज बेस्ड क्वेश्चंस में हम हमेशा प्रेजेंट एज को सपोज करें, जो भी हमारी करंट एज हो। बहुत कम क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको करंट एज में रिलेशन देगा। आपसे कह सकता है आई एम 10 ईयर्स ओल्ड ऑफ माई ब्रदर, 10 ईयर्स ओल्ड सिस्टर, ठीक है? तो करंट में बहुत कम कहेगा, अदरवाइज आपको हमेशा क्या कहेगा, 5 ईयर्स ago आई वॉज 3 times, आफ्टर 5 ईयर्स आई विल बी 2 times, ये चीज। और आपसे कहेगा 3 ईयर्स लेटर, ठीक है? तो हम हमेशा करंट एज को सपोज करेंगे। अगर पहले कह रहा है तो उस टाइम को माइनस कर देंगे, बाद में कह रहा है तो उस टाइम को प्लस कर देंगे। लेटर मीन्स ऐड हो रहा है, हमें खुद भी पता है, माइनस हो रहा है। अच्छा चलो, एक बच्चे मुझे बताओ वो क्या रहा है असल में। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, सब बच्चे मुझे बताइए ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्या पॉसिबल है रियल लाइफ में? ये जो कह देते हैं कि 3 times होगा, 5 times होगा, तो चीजों को समझा भी करो थोड़ा बहुत। जैसे क्वेश्चन कल हमने लिया था, हाँ भाई सब बच्चे देखो, आपसे कह रहे हैं आफ्ताब टेल्स हिज ड्यूटर 7 years ago After 7 years ago, माइनस 7 की बात कर रहा है। आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर दैट टाइम, दैट इज माई फर्स्ट इक्वेशन। एंड 3 years फ्रॉम नाउ, इक्वेशन तो हमने कल बना ली थी, मैं कुछ और कहना चाहता हूँ। I shall be 3 times as old as you will be. That is my second question. मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ऐसा होता है कि हर टाइम के बाद चीजें चेंज हो रही हूँ? एज का तो जो हमारे पास होता है वो तो ऑलमोस्ट एक सा ही रहता है हमेशा, क्या ये बात सही है? क्या अभी 7 times ही है, उसके 7 साल पहले 7 times ही और 3 साल बाद 3 times हो गए, तो होता है कि कभी हमारी एज जो है वो 7 times हो और कभी हमारी 3 times, ऐसा पॉसिबल है किसी और के कंपैरिजन में? हाँ, और के कंपैरिजन में। चलो शाबाश, देख एक्चुअली होता क्या है विद्या, हमेशा रेशो चेंज होती है। ये जो है रेशो है कि ए और डी का रेशो 7:1 है 7 years ago और After 3 years, it will be 3:1. क्या चीज चेंज नहीं होती है हमेशा, वो डिफरेंस चेंज नहीं होता। हर चीज चेंज हो जाएगी, सम चेंज हो जाएगा, प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा, डिविजन चेंज होगा, डिविजन का मतलब रेशो, बट अगर चेंज नहीं होगा तो एज का डिफरेंस चेंज नहीं होगा। डिफरेंस का मतलब क्या है, कल हमने इसका आंसर निकाला था कुछ अगर याद हो, आंसर क्या आया था याद है? चलिए मैं वैसे ही आपके ले लूं कि सपोज करो फादर की एज 30 है करंट, और बच्चे की एज, बॉय की एज, सन की एज वो 5 है। व्हाट इज द गैप हियर, गैप कितना है यहाँ पे? और रेशो कितना है? फादर इज 6 times ऑफ हिज सन, यस और नो? यस सर, यस सर। ये हो गया प्रोडक्ट, ये हो गया वो। अच्छा प्रोडक्ट कितना है? 150। डिविजन कहोगे 6:1, तो ये हो गया। सम कहोगे 35, लेकिन डिफरेंस को गए 30 - 5 = 25। मैं आपसे कह रहा हूं व्हाट विल बी आफ्टर 20 years, बॉय की एज क्या हो जाएगी? 25।
और फादर की एज क्या हो जाएगी? 55 50. व्हाट इज द रेशियो? फादर विल बी ट्वाइस ऑफ हिज सन. अगर आप सम देखेंगे 75 हो गया, ठीक है, तो सम चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट चेंज हो रहा है, रेशो चेंज हो रहा है, बट अगर चेंज नहीं हो रहा है तो क्या नहीं हो रहा है? डिफरेंस अभी भी कितना है? 25. ये होता है क्योंकि हमारा आपका जो एज का डिफरेंस है वो हमेशा कि भाई 2 साल बढ़े तो वो जिंदगी भर 2 साल ही बढ़े रहेंगे. ऐसा नहीं होगा कि 2 साल से अब 10 साल बाद वो 1 साल बढ़े रह जाएंगे या 10 साल बाद वो 15 साल, ऐसा पॉसिबल. तो डिफरेंस रिमेन सेम, रेशो ऑलवेज चेंजेस. तो यहाँ जब भी हमसे बात कर रहे हैं रेशो का ही रहे, ठीक है. सम का हो सकता है कि दियर सम इज दिस, तो हमेशा डिफरेंट हो रहा है, तो हम ये करेंगे. तो खैर हमने आपसे कहा था कि हम करंट एज सपोज कर लेंगे, पहले दिया हुआ माइनस करेंगे, बाद में दिया प्लस करेंगे, और फिर हम उस रिलेशन को अप्लाई करेंगे. तो देखो 4 questions हैं आपकी बुक में. एक तो हमारे पास यही है जो हमने कल लिया था. अगर किसी बच्चे को इसमें डाउट हो तो मालूम कर सकता है. एक्सरसाइज 3.1 एंड क्वेश्चन नंबर 1 ये हमारे पास हो. फिर हमारे पास क्या है, एक्सरसाइज 3.2 में भी क्वेश्चन है. अगर आप टॉपिक वाइज 3.2 में नहीं, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करेंगे तो फिर आपको हर बुक से क्वेश्चन करना आसान है. यस, ये देखो. चलो सब बच्चे बहुत इजीली इक्वेशंस बनाओ. पहले डायरेक्ट इक्वेशन बनाएंगे, बाद में स्टेटमेंट्स लिखेंगे. एक्सरसाइज 3.3 ये मेरे पास क्वेश्चन है. बेटे सब बच्चे प्लीज पेन कॉपी लेके बैठेंगे. सब बच्चे थोड़ा थोड़ा सा भी कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3 का बेटे ये 6th part है. एक्सरसाइज 3.3 एंड क्वेश्चन नंबर 3 6th part. सब बच्चे बेटे मैं पहले रफली लिख रहा हूँ. 5 years hence प्लस 5. पहले हम डायरेक्ट इक्वेशन ही लिख रहे हैं कि इक्वेशन क्या बनी. द एज ऑफ जैकब, एज ऑफ जैकब 5 years hence विल बी जैकब प्लस 5. यस सर नो? जी सर. विल बी मींस इज इक्वल्स टू. 3 times, 3 times मींस 3 into. दैट ऑफ हिज सन, और सन की एज 5 साल के बाद कितनी होगी? सन प्लस 5. तो दैट इज माय फर्स्ट इक्वेशन. सब बच्चों को समझ में आ गया या नहीं आ गया? यस. 5 years hence जैकब विल बी 3 times ऑफ हिज सन, बट आफ्टर 5 years जैकब प्लस 5 फ्रॉम द करंट एज, एंड सन प्लस 5. ओके. 5 years ago, सब बच्चे 5 years ago, that means minus 5. Yes or no? जी सर. वो जैकब एज वॉज, तो जैकब एज वॉज मींस जैकब माइनस 5. वॉज मींस अगेन इज इक्वल टू 7 times. 7 times मींस 7 into दैट ऑफ हिज सन. बताओ 5 साल पहले सन की एज क्या थी? सन माइनस फाइव. दैट इज अवर सेकेंड इक्वेशन. सब बच्चे बताओ इक्वेशन फॉर्म हो गई या नहीं हो गई? जी सर. तो अब आप कहां से स्टार्ट करेंगे बेटे? आप सब बच्चे प्लीज ध्यान से देखें. आप यहां से सॉल्यूशन लिखेंगे सिंपल. लेट जितने अच्छा स्टेटमेंट आप लिखना चाहें, जैकब्स एंड हिज सन प्रेजेंट एज आर X and Y. क्या दिया हुआ है? केस 1. 5 years hence. आपकी चॉइस है. आप डायरेक्ट इक्वेशन लिखना चाहें इक्वेशन लिख दीजिए, आप मेंशन करना चाहें मेंशन करिए. जैकब विल बी
मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ x प्लस फाइव सन विल बी y प्लस फाइव गिवन x प्लस फाइव इज इक्वल्स टू थ्री टाइम्स ऑफ y प्लस फाइव. अब क्योंकि x प्लस फाइव इज इक्वल्स टू थ्री वाई प्लस फाइव दिया हुआ है तो देयर विल बी सब्स्टिट्यूशन मेथड गुड रहेगा इसको सॉल्व करने के लिए. तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो बेटे 3y plus 3 5 जा 15 and 3 5 जा 15 minus 5 क्या आएगा बेटे 10. तो ये भी आपको देखना है बच्चे कि मुझे कहाँ पे कौन सा मेथड अप्लाई करना है. जब यहाँ डायरेक्ट x plus 5 दे रहा है तो इजीली मैं x निकाल सकता हूँ. कभी भी अगर x निकालना आसान है तो वहाँ सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना इजी है. अब हमसे क्या कह रहा था केस 2 कितने टाइम्स पहले कह रहा था माइनस फाइव फाइव ईयर्स एगो. ठीक है अगर स्टेटमेंट नहीं लिखना चाहते तो इतना ही काफी है केस टू फाइव ईयर्स एगो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं बेटे. मैं अब आपके लिए डायरेक्ट इक्वेशन लिख के दिखा रहा हूँ. पहले वाले एक्स माइनस फाइव इज सेवन टाइम्स ऑफ वाई माइनस फाइव. आप ये भी लिख सकते थे डायरेक्ट जैकब माइनस फाइव वॉज सेवन टाइम्स ऑफ इज सन एज तो सन वॉज सन माइनस फाइव. तो ऐसे भी आप कर सकते हैं. तो अब ये क्या हो जाएगा बेटे आप x की वैल्यू रख दो यहाँ हम तो सॉल्व ही करना है फ्रॉम वन. तो x की वैल्यू कितनी है बच्चे 3y प्लस 10 इसकी मुझे जरूरत नहीं. ठीक है 3y प्लस 10 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 7y माइनस 35. देखो 7y माइनस 3y कितना होगा या जैसे भी आप चाहो 3 माइनस 7 हो जाएगा माइनस 4y एंड 10 माइनस 5 होगा 5 एंड माइनस 35 एंड माइनस 5 माइनस 40 माइनस माइनस कैंसिल 4 से 10 टाइम y इज इक्वल्स टू 10 ईयर दैट इज. इस 10 को आप 1 में रख दीजिए फ्रॉम 1 x हमारा कितना आया था 3y प्लस 10 40 x इज इक्वल्स टू 40. ये हमारे पास सब बच्चे बताओ कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया या नहीं आया सर. जी बेटे सही फर्स्ट इक्वेशन कैसे आई बेटे. हमारे पास जो कंडीशन गिवन है वो गिवन ये है बेटे कि जैकब विल बी ठीक है सेवन टाइम्स फाइव इयर्स केस वन ये है. जैकब विल बी थ्री टाइम्स ऑफ हिज सन थ्री टाइम्स ठीक है कब 5 years later. तो जो हमने इक्वेशंस बनाई थी ना बेटे ये है हमारे पास इक्वेशन. तो अगर आप चेक करोगे ये इक्वेशन है बेटे. ठीक है तो इक्वेशन क्या है बेटे 5 years later जैकब हो जाएगा जैकब प्लस 5 और सन हो जाएगा बेटे सन प्लस 5. लेकिन क्या गिवन है इट इज गिवन इट विल बी 3 टाइम्स जैकब विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन. यस और नो. यस सर. और जैकब को हमने क्या कंसीडर किया है बेटे एक्स और सन को हमने क्या कंसीडर किया है वाई. वाई तो क्या होगा बेटे एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू थ्री इंटू वाई प्लस वन. अब समझ में आया. यस सर. और सेकंड में भी अगर आप चाहेंगे तो यही जैकब को एक्स रख दीजिए बेटे और सन को वाई रख दीजिए. और हमने क्या कहा हमने कहा कि हम इसको सब्स्टिट्यूशन से कर रहे हैं. तो जब भी हमारे पास एक्स प्लस एक्स या वाई कुछ दिया हो निकालने के लिए तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. कोई और बच्चा जिसको प्रॉब्लम हो. मैंने आपको दोनों तरीके से बताया. फर्स्ट वाले मैंने स्टेटमेंट लिख के दिखाया कि आप चाहें तो आप इससे से मेंशन कर सकते हैं आफ्टर 5 इयर्स जैकब विल बी एक्स प्लस 5 सन विल बी वाई प्लस 5 इट इज गिवन जैकब इज 3 टाइम्स ऑफ वाई प्लस 5. और अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहते तो आप डायरेक्ट इक्वेशन ही लिख सकते थे. ये जो हमारे पास इक्वेशन है x plus 5 इस स्टेटमेंट की जरूरत नहीं. सर ठीक है. श्रेया जी कहाँ थी आप इतने महीने से हैं भाई श्रेया. यस सर. कहाँ थे इतने दिनों से. सर आप डांटते बहुत तो मैं आती नहीं क्लास में है ऐसे क्या था. नहीं नहीं जी बेटे सर मैं कर रही थी नेट प्रॉब्लम हो रही है वो नहीं रहा है. हाँ ये तो है आजकल दो तीन दिन से शामली मतलब पड़ेगा प्रॉब्लम तो है नहीं. चलो
कुछ YouTube पे मैं लिंक डाल देता हूँ, उससे देख लिया करो बेटा जब भी मौका मिले, ठीक है? हाँ भाई बताओ क्या सर? देखिए YouTube पे लिंक रहता आवाज है, आवाज नहीं आ रही सर, क्यों? बाकी सबको आवाज आ रही है? यस सर, यस सर, यस सर। आप सबके पास बेटे मैं YouTube का लिंक डाल देता हूँ, बाद में उसको आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। चलो सब बच्चों को समझ में आया ये? यस सर। एक इक्वेशन बनाओ सब, yes, बच्चे जहाँ पे भी प्रॉब्लम हो प्लीज पूछ लीजिए किसी भी बच्चे को। चलो एक क्वेश्चन और करो, पहले हम एनसीईआरटी कर रहे हैं लेकिन आज हम इसका एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे, अब फिर आप सोच के बताना क्या होगा। ये हमारे पास दिया हुआ है, ये देखो क्वेश्चन है। सबसे पहले इक्वेशन बनानी है, स्टेटमेंट बाद में लिखेंगे सब बच्चे, फटाक से एकदम से इक्वेशन जल्दी से जैसे ही मैं लिखूं। देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। हाँ भाई, नूर सर की बहन है नूरी। फाइव इयर्स एगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, 10 इयर्स लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू? तो सर नूरी प्लस 5 इज इक्वल टू 3, सोनू प्लस 5। यस, वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल सही, शाबाश बेटे। आपने क्या किया है, 5 इयर्स है गो, लेकिन 5 इयर्स प्लस 5 कर रहे हो माइनस 5 कर रहे हो? हां मतलब सर माइनस कर रहा हूं 5, जल्दबाजी में गड़बड़ कर दी ना। 5 इयर्स एगो तो माइनस 5 है ना भाई, तो माइनस 5 मतलब नूरी माइनस 5 इज इक्वल्स टू थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, है ना? तो सोनू माइनस 5, ठीक है भाई। सेकंड इक्वेशन कौन बताएगा? सलमान नहीं बताएं, कोई और बच्चा बताए सेकंड इक्वेशन। 10 इयर्स लेटर सर मैं बता रहा हूं, बताइए सर। x प्लस 10 हां इज इक्वल्स टू, एक सेकंड, 2 नहीं सर, x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 2y प्लस 10। यस, x मत लीजिए, हमने फिलहाल क्या लिया था यहां पे, n प्लस 10, नूरी का n लिया है हमने, ठीक है, ट्वाइस, और सोनू का हमने ऐसे ही दिया है प्लस 10। सब बच्चों को बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर आ गई, यस सर आ गई, है ना? तो आप क्या कंसीडर करोगे, लेट द नूरी प्रेजेंट एज बी x एंड सोनू प्रेजेंट एज बी y, तो x माइनस 5। सब बच्चे हम क्या करेंगे, देखो छोटा सा लिख सकते हैं, नूरी को हमने लिया x तो x माइनस 5, और इसको हमने लिया 3 y माइनस 5, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 10। सब बच्चे बताओ समझ में आया? यस सर, यस सर, यस सर। सॉल्व करके आंसर दो जल्दी से, सब अपनी कॉपी पे सॉल्व करो इसे, कितनी जल्दी सॉल्व करते हो, जल्दी से करो। Done. आई बेटा नूरी एज? 30, नूरी की 70 इयर्स एंड सोनू की 30। 20, x इज इक्वल टू 50। सर y है 20 और x yes. हो गया हमारा 50। बताओ नूरी की एज कितनी आई है बेटे? सर 50। 50 और सोनू? 20। 20। सब बच्चों का यही आया आंसर? यस सर मेरा यही आया सर। वेरी गुड, अब जरा एक चीज चेक करो सब बच्चे, जरा ध्यान से, सब इधर जरा ध्यान से, शाबाश। हमारे पास क्या आया बेटे, हमारे पास आया है नूरी एज इज 15 एंड सोनू एज इज 20, और मैं आपसे कहता हूँ वर्ड प्रॉब्लम में या इवन सॉल्यूशंस में भी हम एक्स वाई की वैल्यू चेक कर सकते हैं। तो आप चेक करो कि 5 साल पहले क्या हो रहा था, 5 इयर्स एगो नूरी वाज 45 एंड सोनू वाज 15, व्हाट इज द रेशियो हियर, हाउ मेनी टाइम्स नूरी इज? 3 टाइम्स, यस, तो थ्राइस एज ओल्ड, तो ये बात सही हो गई। दूसरा हमसे क्या कह रहा है बेटे, हमसे कह रहा है 10 इयर्स लेटर प्लस 10, तो नूरी विल बी 60 एंड सोनू विल बी 30, तो हाउ ओल्ड, व्हाट इज द रेशियो? ट्वाइस,
twice. This is twice as old as Sonu. Yes or no? तो आप अपना क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं. सब बच्चों को समझ में आ रहा है? यस सर. ये बच्चा ऐसा भी है मेरी तरह से स्लो वाला जिसे समझ में नहीं आ रहा है. मेरी जो स्पीड है बहुत स्लो है, मुझे समझ में बहुत स्लो आता है. स्लो मतलब मुझे हर पॉइंट चाहिए, हर वर्ड का मीनिंग चाहिए. जब तक मैं सारी चीजें ना देख लूं तब तक मैं आगे नहीं बढ़ सकता, हर एंगल से उसे ना सोच लूं. तो आप भी प्लीज ऐसे ही किया करो. सबसे पहले चारों तरफ से क्वेश्चन को हिलाओ डुलाओ, ऐसे हो रहा है तो कैसे हो रहा है, ऐसे नहीं होगा तो कैसे नहीं होगा, तब जाके अच्छी बात समझ में आती है, फुल एंड फाइनल. लेकिन फिर वो हमेशा के लिए दिमाग में आपके स्टोर हो जाएगा इंशाल्लाह. चलो एक बहुत अच्छा वाला क्वेश्चन. बहुत ही अच्छा वाला क्वेश्चन है, ठीक है. और जो इसे करेगा उसको 100 rupees मिलेंगे. सर क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं हम आपके लिए, दे रहे हैं क्वेश्चन ढूंढ के देने पड़ते हैं. ये देखिए ऑप्शनल एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन और फिर इसके बाद मैं दूंगा एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन. ये सारे एनसीईआरटी से थे, फिर मैं इंशाल्लाह आपको दूंगा शर्मा जी की बुक से. चलो जी बताओ. The ages of two friends, Annie and Biju, differ by 3 years. First तो problem यहाँ difference की है. Annie's father Dharam is twice as old as Annie and Biju is twice as old as his sister Kathy. The ages of Kathy and Dharam differ by 30 years. Find the ages of Annie and Biju. देखो सब बच्चे कर रहे हैं माशाल्लाह से, दो चार बच्चे बोलते हैं बाकी खामोश रहते हैं. अगर समझ में आ रहा है तो खामोश रहने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा प्लीज बोलेंगे. सर ये वाली लाइन बताओ. ये टेस्ट हो गया जैसा होना था, बट नेक्स्ट टेस्ट माशाल्लाह बहुत अच्छे से होना चाहिए. और आप में से किसी भी बच्चे को कभी भी किसी भी चैप्टर का टेस्ट देना मुझे बता सकते हैं. सर मेरा टेस्ट ले लीजिए, स्कूल में टेस्ट आ रहा है या मैं देना चाह रहा हूँ, मैंने प्रैक्टिस किया है तो मैं आपको पेपर दे सकता हूँ. बताओ सर. यहाँ 4 पर्सन है, प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही है. अनी भी है, बीजू भी है, धर्म भी है, कैथी भी है. हमारे पास 2 वेरिएबल्स होते हैं, हम 4 वेरिएबल्स में क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये सबसे बड़ी समस्या है. आकिब बताओ कैसे करेंगे इसको. आकिब सर बताइए कैसे करेंगे. हमें पता है एक्स माइनस वाई 3 होगा क्योंकि वो डिफरेंस है. चलो ठीक है आगे. ये करंट एज का है, देखो सब बच्चे यहाँ पे करंट में दिया हुआ है तो डायरेक्ट ले सकते हैं एक्स माइनस वाई. गुड. और सर लिखा है कि धर्म की एज ट्वाइस है उससे, तो सर 2x हो जाएगा धर्म की एज. गुड वेरी गुड. और सर कैथी की एज को y मानेंगे. बट फिर बीजू को क्या मानेंगे? 2y. अच्छा चलो. एंड फिर कैथी एंड कैथी की एज y / 2 हो जाएगी. कर सकते हैं दोनों चीजें, ये भी हो सकता है. होता सेम है, अगर आप कैथी को वाई ले रहे हो तो बीजी 2y होगा, बट अगर आप बीजू को वाई ले रहे हो तो कैथी हाफ होगा, y / 2. वेरी गुड शाबाश, ऐसे सोचा करो, अच्छा लगा. गुड आओ. चलो भाई जो बटालियन हमारी कर रही है साइलेंटली वो देखो. हम तो हमेशा पहले क्या लेते हैं वर्ड, ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं तो मैं हमेशा ये एकदम वर्ड बाय वर्ड, ठीक है. द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स, ये तो बेकार बात है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है. अनी एंड बीजू, चलो अनी को लेना है, बीजू को लेना है, डिफर बाय 3 इयर्स, तो ये वर्ड मेरे काम के हैं.
अब सबसे पहले तो आप सब बच्चे प्लीज ध्यान से सुन लीजिए. Whenever the difference is given, इन थ्री questions आपके पास difference given है. आपके NCERT में word problem है, तीन question में differ word use होगा. तो जब भी differ होगा बेटे, हमें नहीं मालूम who is older, ठीक है? तो हमें ये भी नहीं मालूम अनी की एज ज्यादा है या बीजू की एज ज्यादा है. तो हम क्या करते हैं, हम इस तरह से लिखते हैं अनी माइनस बीजू इज थ्री. बट प्लीज ध्यान से देख लीजिए, ये भी पॉसिबल है बीजू माइनस अनी. बात समझ में आ गई? तो इसको हम कंसीडर करेंगे वन, इसको हम कंसीडर करेंगे टू. लेकिन ये दोनों वन एंड टू एक ही केस में है, केस वन. तो इन दोनों को हम एक साथ नहीं लेंगे, इसको हम केस टू के साथ लेंगे. एक वन के साथ, एक टू के साथ. अभी देखते जाइए कैसे करें. अब यहां से बात आती है, अब हम यहाँ लिख लेते हैं क्योंकि हमें अभी धर्म और केथी को भी लाना. तो अगर हम यहां से कंसीडर करें, चलो क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं. लेट प्रेजेंट एज, और बेटे कैथी को कंसीडर करने से अच्छा है बीजू को ही करो क्योंकि शुरू में अनी एंड बीजू ही दिए. बी एक्स एंड बीजू इज वाई. तो आप यहां से करिए केस वन, ठीक है? डायरेक्ट लिख लेते हैं एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू थ्री. इसको हमने वन ले लिया, और y minus x is equals to 3, इसको हमने 2 ले लिया. But these two equation are under case 1. तो इन दोनों को रख के सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है? कभी आप इन्हीं दोनों को रख के सॉल्व कर दो, केस 2 के साथ सॉल्व करना है. केस 2 क्या है, यहाँ से कहानी शुरू होती है, ठीक है? अनी फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी. तो ये लिख लेते हैं केस 2. धर्म एज इज ट्वाइस ऑफ अनी. ट्वाइस अनी का मतलब 2x, ठीक है? अब आपसे क्या कह रहा है, देख लो, ध्यान से देख लो. पहले से मैं लिख रहा हूं पूरी बात. बीजू इज ट्वाइस ऑफ कैथी. तो आप कह सकते हो कैथी एज is Biju by 2, और ये Biju is twice of Kethi. ये जो हमने लिखा है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप डायरेक्ट y by 2 लिख सकते थे Kethi. तो Kethi की एज आ जाएगी y by 2. ये बात सब बच्चों को समझ में आ गई? एज ऑफ Biju is twice of Kethi, so Kethi एज is Biju's half या y by 2. Biju को हमने y by 2 लिया. अब फिर दोबारा से देखो इस क्वेश्चन में बेटे, डिफरेंस है. यस, यहाँ डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है? अनीस फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी एंड बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सिस्टर कैथी. द एज ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 इयर्स. अब यहाँ प्रॉब्लम आ जाती है कॉमन सेंस की, ठीक है? कॉमन सेंस विच इज नॉट कॉमन, है ना भाई? अब आप कह रहे हो एक तो दोनों में, दोस्तों में 2x minus y by 2 is equal to 60. Very good. दोनों दोस्तों में सिर्फ 3 साल का गैप है. अगर दोनों चीजों में 3 साल का गैप है, 3 इयर्स का गैप है, तो एक नंबर का आपने कर दिया डबल और एक नंबर का आपने कर दिया हाफ. तो कौन सा वाला बड़ा होगा? सर 2x बड़ा होगा, ठीक है बेटे? तो यहाँ पे हम ये नहीं लेंगे कि कभी धर्म में से कैथी को माइनस कर रहे हो और कभी कैथी में से धर्म को माइनस. नहीं, यहाँ एक ही केस बनेगा. तो ये चीज ध्यान रखिएगा. तो आपके पास क्या हो गया बच्चे, गिवन 2x माइनस y बाय 2 is equals to, कितना डिफरेंस दिया हुआ है? 30, ठीक है? LCM आप लेंगे 2, तो अगर 2 LCM लेंगे बेटे, तो 2 जा 4x minus y is equals to 30, तो कितना आ गया बेटे? 4x minus y is equals to 60. अब प्लीज सब बच्चे ध्यान से देख लीजिए, मैं दोबारा से इक्वेशन लिख रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए बेटे, कि हमारे पास क्या आया बेटे, x minus y is equals to 3 आया था, और हमारे पास क्या है 4x minus y is equals to 60 आया है. तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आए. From 1 and 3. Substitution. तो एक बार हम 1 and 3 को लेंगे और उससे हम सॉल्व करेंगे, और एक बार बेटे हम from 2 and 3 को लेंगे, बिकॉज हमारे पास केस 1 में दो इक्वेशन आई और केस 2 में एक ही इक्वेशन आई है, तो दोनों के साथ सॉल्व करना पड़ेगा.
वो हमारा था y माइनस x इज इक्वल टू 3 एंड 4x माइनस y इज इक्वल टू 16. ये बस. तो अब आपको चेक करो 1 एंड 3 को सॉल्व कर रहा हूँ पहले में. ऊपर भी y है नीचे भी y है तो मैं क्या कर दूं इनको x इज इक्वल टू 3 सब्स्टिट्यूट करने बेटे सब्स्टिट्यूट करने की साइन चेंज कर दो बस माइनस प्लस माइनस ठीक है तो माइनस 3x माइनस 57 x इज इक्वल टू 19 x इज इक्वल टू 19 1 में रख दीजिए बेटे 1 में रखेंगे 19 तो 19 माइनस 3 16 आ जाएगा y इज इक्वल टू 16 ये मेरे पास होगा. अच्छा जरा इधर सॉल्व करो. अब y एक में प्लस है और एक में माइनस है क्या करें राइट साइड ऐड कर देते हैं ऐड तो ऐड करेंगे बेटे y y एंड 4x माइनस x 3x एंड 63 तो x इज इक्वल्स टू पुट इन 2 केस तो x को अगर 21 रखोगे 3 में प्लस हो जाएगा तो दोनों ऑप्शन है बेटे हमारे पास और दोनों सही आंसर है प्लीज ध्यान भी रखिएगा. मे बी पॉसिबल यानी 19 हो और बीजू 16 हो और मे बी पॉसिबल अनी 21 हो और बीजू 24 क्लियर है सब बच्चों को और एग्जाम में किसी भी एक केस से करेंगे नहीं बेटे दोनों केस करेंगे दोनों आंसर है डिफर में दोनों केस लिए अगर यहाँ पे ऑप्शन ना आता तो हम कह देते कि बस फर्स्ट वाला ही आंसर है आएगा ऐसा भी क्वेश्चन दिखाऊंगा जिसमें सेकंड वाले से ऑप्शन नहीं आएगा तो हम उसे छोड़ देंगे नहीं ये पॉसिबल ही नहीं. सर क्लियर है सब बच्चों को जी सर. हाँ भाई यस सर यस सर बच्चे नहीं बोलते बस ये yes, देखो इस क्वेश्चन को मैं अब आपके लिए बहुत अच्छा सा क्वेश्चन ला रहा हूँ ढूंढ के कहीं से मुझे कोई अच्छा सा क्वेश्चन मिल जाए तो मैं आपको एक अच्छा क्वेश्चन देखो मैं आपको एक चीज सिखा रहा हूँ कि वर्ड प्रॉब्लम को एमसीक्यूज में कैसे करना है ऑब्जेक्टिव में. सब बच्चे ध्यान से देखो इधर सॉल्यूशन की जरूरत नहीं होती है वहां. चलो इसका आंसर दो सब बच्चे और क्या करना है आपको ऑप्शन से चेक करना है बेटे. मैं सबको हिंट दे रहा हूँ क्वेश्चन पढ़ो और हिंट से चेक करो कि कौन सा मेरा सही है. एज पर गिवन कंडीशन विच आंसर इज सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशंस ये चेक करो जरा सब बच्चे जल्दी से. मैं एक और ढूंढ रहा हूँ आपके लिए. सर डी तो है ही नहीं. डी नहीं है वेरी गुड ऐसे ही सोचना है शाबाश करो. मैं और ढूंढ रहा हूँ आपके लिए. तो एमसीक्यूज में वर्ड प्रॉब्लम अगर आएंगे बेटे सॉल्व करने की जरूरत नहीं से चेक कर लेते हैं स्पेशली इस तरह के क्वेश्चन करो. शाबाश सब बच्चे कोशिश डरो मत गलत आए सही आए ट्राई करो और बोल भी दिया करो थोड़ा बहुत जो बच्चे खामोश रहते हैं. सही आ रहा है थर्ड वाला ऑप्शन आ रहा है जी चल चेक कर लूं सब तरह से. यस देखो कितना अच्छा सा क्वेश्चन मिल गया है क्वेश्चन अच्छा वाला ये आपको करना. पिछले क्वेश्चन में मर्जिया को और सलमान को मिलेंगे 50-50 रुपीस उन्होंने थोड़ा थोड़ा सा बताया था ना भाई जी सर. ये अपने काउंट कर लेना इंशाल्लाह जिस दिन भी ऑफलाइन क्लास होगी सबको मिलेगा ये जिस जिसके कितने मेरे पे ड्यू हो रखे हैं है ना भाई. बहुत दिन से मैं कहता रहता हूँ ड्यू हो रहे हैं ना सब बच्चों किस किस के हो रहे हैं के भी हैं. अच्छा गुड आओ जी सर देखो सब बच्चे द फादर एज इज 6 टाइम्स ऑफ हिज सन एज ठीक है बेटे. अगर फादर एज सन की 6 टाइम है तो 4 और 24 हो सकता है 6 और 36 हो सकता है 5 और 30 हो सकता है बट 3 और 24 नहीं हो सकता. जैसे मेरा बच्चा भी ये कह रहा था कि सर डी ऑप्शन नहीं हो सकता
तो हमें क्या करना होता है, बस हमने वहां पढ़ा और यहाँ हमने चेक कर लिया। अब आपसे क्या कह रहा है, दूसरा कंडीशन यहाँ आ रहा है बेटे, फोर इयर्स हैंस, ठीक है, चार साल के बाद द एज ऑफ फादर विल बी फोर टाइम्स ऑफ हिज सन आफ्टर फोर इयर्स, फोर ईयर हो जाना, अभी तो सिक्स टाइम्स है, फोर ईयर। अब जरा अगर पहले ऑप्शन को देखें तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 32, ठीक है, नहीं 28, चार साल के बाद। प्लीज ध्यान से देख लो सब बच्चे, आपसे कह रहा है फोर ईयर करेक्ट आंसर, गुड, प्लस फोर करोगे तो 8 और 28 हो जाएगा, तो 8 और 28 फोर टाइम्स नहीं होता है, कितना होना चाहिए था, फोर टाइम, ये नहीं है, इसमें प्लस फोर करेंगे तो बेटे 9 और 34 हो जाएगा, तो ये भी फोर टाइम्स नहीं है, लेकिन अगर इसे करेंगे तो 6 प्लस 4 10 हो जाएगा और 36 प्लस 4 40 हो जाएगा, तो ये फोर टाइम्स है या नहीं है? जी सर, यस सर, दैट इज हमारा आंसर, ठीक है सर, तो हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी बेटे, तो अगर हमारे पास एमसीक्यूज में आएंगे तो हम सिर्फ आंसर देख के सॉल्व कर देंगे। चलो अब ये वाला जो क्वेश्चन बताएगा कोई बच्चा, उसे 200 रुपीज मिलेंगे, कितने संगे मित्र, कितने सर, पेटीएम कर देना संगे में ज्यादा डर रही है सर, आपने इतना ढूंढ के निकाला है ना, मैं नहीं करूंगा है भाई। चलो एक्चुअली क्या है इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा लॉजिक है, आप वो वाली बात समझ पाते हो या नहीं मुझे ये देखना है, सब बच्चे ट्राई करो, शाबाश। एक सेकेंड, इसमें छोटा सा एक लॉजिक है, वो आप समझ पाते हो या नहीं, बस ये देखना है। सर ब्रैकेट का लॉजिक, पता नहीं कहेगा सर, सम को ले लेंगे वाई सम को वाई ले लो या कुछ भी ले लो, इक्वेशन बताओ मुझे, जो बच्चे कर चुके बस वो डन बोलेंगे कि सर मुझे समझ में आ गया, इक्वेशन बनाएंगे जब मैं पूछूंगा तब बताएंगे, ठीक है, देखना है कौन कौन बच्चा बताता है। नामिया इक्वेशन बतानी है बेटे आपको, बताए सोचिए जल्दी से। शफी, डॉक्टर शफी, यस सर, इक्वेशन बतानी है आपको, जल्दी से बनाइए। रवि कहाँ हो भाई तुम इतने दिनों से, सर डेली कर रहे हैं सर, कल थे आप क्लास में? नहीं सर, सर कल मार्केट जा रहे थे सर। अच्छा, आपकी आवाज नहीं सुनी ना मैं बहुत दिन से। आर्यन तो साहब गायब रहते हैं, कल भी गायब थे, नील आर्यन सब 40 इयर्स। अब आवाज आ रही है आपको? अब आवाज तो तब आई है जब कल आवाज दे रहा था, तब आप बोल रहे थे सर, कसम से सर मैं बोल रहा था सर, ग्लिच हो गया था। अच्छा जी बेटे, क्या बता रहे हो सर? फादर की 40 इयर्स है। हां बेटे, फादर की 40 इयर्स, सॉल्व भी कर लिया, 40 इयर्स, 40 इयर्स। जो मुझे आप इक्वेशन बताइए, चलिए क्या क्या इक्वेशन आई, f is equal to 2 into x plus y, x plus y उनके बच्चों की एज है, और फिर सेकंड जी x plus y, जी x plus y क्यों लिया आपने बेटे, x plus y उनके बच्चों के सम की एज है, मैंने तो सम को वाई लिया है सर, मैंने फादर को एक्स लिया है। अरे फिर फादर को क्या लिया बेटे आपने? फादर को एफ, एफ जी। द एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू चिल्ड्रन, ऐसे आपने किया है? यस सर। ओह माय गॉडनेस, अरे तो बहुत लंबा हो जाएगा, कोई बात सर नहीं, बहुत छोटा, बहुत छोटा होगा। हाँ। अच्छा बताओ फिर नेक्स्ट वाली क्या बनी, आफ्टर 20 इयर्स f plus 20 is equal to x plus 5 bracket plus 20 x plus y bracket में plus 20 पर सर 20 इयर्स के बाद तो फादर की जो एक एक, 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 वो एक को बोलने दीजिए, अरुण को बोलने दीजिए जी, अरुण सर x plus y bracket में x plus y bracket प्लस 20 फिर सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व किया आपने
यस सर, तो एफ की मैंने वैल्यू ली तो एफ था 2 इनटू एक्स प्लस वाई, तो उससे अब आप वेट करिए सलमान बताओ, सब बीच में नहीं बोलेंगे, जिसने जो सोचा सोच लो, क्योंकि जब तक उसका करेक्शन नहीं आएगा तब तक आप हमेशा के लिए परफेक्ट नहीं होंगे। ये आपका फर्स्ट जिसे कहना चाहिए वो था कि भाई मैं ऐसे सॉल्व करूं, इंप्रेशन जिसे कहते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन। अब लेकिन इसका देखना कि ये सही है नहीं है। सलमान बताओ क्या किया ना सर, x हो गया 2y हैं, x = 2y, ये था अरूप का इंप्रेशन, ठीक है। अब जो बच्चा दूसरा भी कर रहा है वो भी सोचते हैं, सलमान ने कहा x = 2y, यस दैट इज 1। नेक्स्ट तो सर x plus 20 is equal to y plus 40. y plus 40. जी सर. ये सर. सर क्योंकि और किसी बस 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 वेट जी, और कोई बच्चा? इसी सर मैंने भी किया था ये. हाँ सर, x plus 20, x plus 20 plus 6 plus 20. x plus 20 plus 6 plus 20. यस सर. 6 क्यों लिया बेटा आपने? सर सर जी शफी बताइए सर, देखिए इसमें x = 2y थी फर्स्ट इक्वेशन, हां, और दूसरी इक्वेशन थी हमारी x plus 20 is equals to y plus 40, क्योंकि सर दो बच्चे हैं ना तो दोनों में ऐड होएगा 20 इयर्स, 20 दोनों में ऐड होएगा तो x y plus 40 हो जाएगा। मैंने भी तो ये बोला। गुड, सलमान ने और शफी ने जो कंसीडर किया है, अरूप बेटे आप भी देखो और बाकी सब बच्चे भी देखो, अरूप ने भी इक्वेशन ऑलमोस्ट सही बनाई है। बस बेटे अरूप क्या करना था एक्चुअली कि आपके पास टू चिल्ड्रन है तो एक्स की भी एज बेटे प्लस 20 होनी है और वाई की भी एज बेटे प्लस 20 होनी है। यस सर, तो सर टोटल बेटे प्लस 40 होना। यस सर, तब ब्रैकेट खोलेंगे तब प्लस 40 मैंने लिखा है तो सही है बेटे, इनटू थोड़ा ही कर रहे हैं, अगर आप एक्स प्लस वाई प्लस 20 कर रहे हैं तो इनटू नहीं हो रहा ना बेटे, के दोनों से इनटू हो जाएगा। जब आप x plus y plus 20 लिख रहे हो तो वो बेटे ब्रैकेट ओपन करने के बाद भी x plus y plus 20 ही होगा, ठीक है बेटे? ओके हाँ, बस यहीं पे अगर आपने बाद में कर लिया था तो इसलिए आपका आंसर तो सही आ गया होगा, बट यहाँ इक्वेशन आपकी रॉन्ग। सब बच्चे देखो अब सब ध्यान से, शाबाश। बस इसमें यही एक छोटा सा लॉजिक था बेटे, चलो शाबाश। अगर आप सब बच्चे 2 साल छोटे होते तो आपको पता एक चीज होने जा रही थी आपके साथ। हाँ भाई संज्ञा मित्रा, अगर आप 2 साल छोटी होती तो आपके 2 साल के बाद फिर 10th का बोर्ड ना होता, पता है आपको? सर बहुत यस सर शानदार बात हो गया। अरे सर मैं छोटी हो जाती तो कितना अच्छा होता। ये गलत है बेटा सोचना, जिंदगी में आसानियां कभी मत सोचना, आप सब बच्चों को कह रहा हूँ। सर तो अब तो मैंने और सलमान ने दोनों ने सॉल्व कर दिया। यस बिल्कुल सॉल्व कर दिया, 200 रुपए दोनों के। ठीक है सर, ठीक है ऐड करते रहो। चलो भाई देखो हमारे पास क्या है, 260 हो गया। वेरी गुड जी, हमारे पास फादर है और हमारे पास क्या है, 2 चिल्ड्रन है, तो हम क्या कह रहे हैं सम ऑफ एज ऑफ 2 चिल्ड्रन। ये तो हम क्या कंसीडर करेंगे, डायरेक्ट फादर को बेटे हम एक्स ले लेंगे और सम ऑफ एज ऑफ 2 चिल्ड्रन को हम वाई ले लेंगे। तो केस 1 हमारे पास ये गिवन है, क्या गिवन है, द एज ऑफ फादर इज twice the sum of age of children, so x is equals to 2, simple. And case 2, ये तो current में था, तो ना यहाँ plus करना था ना यहाँ minus करना था, आपसे कह रहा after 20 years, तो after 20 years पहले मैं age लिख लेता हूँ, father की age हो जाएगी x plus 20, लेकिन children की age होगी बेटे y plus 40. 20 प्लस 20 ऐड होगा बेटे, प्लीज ध्यान ये रखिएगा दोनों ऐड। और अगर आप x y अगर यहाँ 3 वेरिएबल भी रह रहे हैं तब भी 3 वेरिएबल वो 2 वेरिएबल कैंसिल हो जाएगा, तब भी आप सॉल्व कर सकते हैं, तो f ही आएगा। लेकिन अच्छा है y कंसीडर करिए क्योंकि 3 वेरिएबल में कंफ्यूज है। आपसे क्या कह रहा है, इक्वल टू सम ऑफ द एजेस, हिज एज विल बी इक्वल टू, तो यहाँ डायरेक्ट इक्वल दिया हुआ है,
पूछे तो लिख ही देते हैं, ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। तो x is equals to 2y first equation, x plus 20 is equals to y plus 40 हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल कर देंगे। ठीक है, तो आप अगर 1 से रख दो, फ्रॉम 1 y आ जाएगा, रख दो यहीं पे, तो 2y plus 20 is equals to y plus 40, so y is equals to 20, x is equal to 40. And from first, yes, from first x is equal to 2 into 20, that is 40. ये मतलब सर को समझ में आया? जी सर। यस सर। आपके पास फादर एज आ गई 40 इयर्स। अरुण का आंसर भी सही था क्योंकि उन्होंने ब्रैकेट ओपन करके प्लस 20 कर लिया था, बट इक्वेशन लगा। सर को समझ में आया सब बच्चों को? यस सर। देखो yes, एक मेथड और देखो सब बच्चे, ये रिकॉर्ड और ये क्लास, ज्यादा टेंशन मत लो, तो इंशाल्लाह देख लेना। मैंने कल भी बहुत सारी वीडियोस डाली पिछली प्रीवियस क्लासेस की, तो चेक कर लिया करो अगर जरूरत हो, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि दो दो तीन तीन मिनट की हर क्वेश्चंस की वीडियो आपको दे दूं, तो वो आपको और ज्यादा समझ आए। खैर, एक क्वेश्चन और देखो, बहुत ईजी, सबसे ईजी अगर हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम में है तो ये वाले क्वेश्चन है मेरे। जैसे हमने कॉस्ट प्राइस वाले में एक्स वाई लिख दिया था, ऐसे ही यहाँ पे हम करेंगे। तो आज एक मेथड इंशाल्लाह और आपका हो जाएगा। और अच्छा ये है, जब आप इस तरह के टॉपिक कर लो तो आप कोई भी बुक उठाओ, ठीक है, और उसमें से वो वाला टॉपिक करके देखो। जैसे एज वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आर डी शर्मा उठाओ और एज वाले क्वेश्चंस करो, तो शर्मा जी का डर भी निकलेगा आपके दिमाग में से। मैं आपसे क्या कह रहा था कि जिंदगी में आसानियां मत ढूंढा करो, ये मुझे आसान मिले मुश्किल ना मिले। आपकी मसल्स, आपकी ब्रेन, आपकी कॉन्फिडेंस, आपकी खुशी, वो ज्यादा ताकतवर से लड़ने में आती है, कमजोर से लड़ने में नहीं आती। आप बस अल्लाह से ये दुआ जरूर किया करो कि अल्लाह मुझसे, मेरे सामने जो मुश्किल आए उन पर काबू पा लूं, ऐसी मुश्किल मत देना जिसपे मैं काबू ना पा सकूं, जिससे मैं ना लड़ सकूं। आसानियों में तो बेटे आसान ही रहता होगा। जिंदगी खुद से आसान नहीं है, जिंदगी अपने आप में बहुत टफ चीज है। ये देखो, ये क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल, सब बच्चे कर सकते हैं, बहुत इजी। आपके पास तीन क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में, इस पे बेस बेटे बहुत इजीली आप कर सकते। तो ये हमारा तो बहुत इजी है। यस, बहुत इजी। तो हमारे पास थर्ड टॉपिक है बेटे फ्रैक्शन। और मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, सब बच्चे देखो, बस एक एक लाइन में आंसर आ जाएगा। एक्चुअली आपको क्या कंसीडर करना है, लेट द न्यूमरेटर बी एक्स। यस सर, हो जाएगा। ठीक है बेटे, एंड लेट द डेनोमिनेटर बी वाई। तो हमेशा ध्यान रखो, फ्रैक्शन जो आपका होगा वो एक्स अपॉन वाई होगा, बस इतनी सी बात। ठीक है शादान, कुछ कह रहे हो? न्यूमरेटर x है बेटे, डेनोमिनेटर y है, तो फ्रैक्शन ऑटोमेटिकली x y होगा। लेकिन अब पढ़ो क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है केस वन, बिल्कुल जैसे गिवन है ऐसे ही। इफ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, तो इसका मतलब हमारा फ्रैक्शन हो गया 9/11। फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू, तो व्हेनेवर वी आर यूजिंग इज इक्वल्स टू, वाज, ठीक है, विल, तो इसका मतलब इज इक्वल्स टू 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. तो आपको 2 add करना है दोनों में, तो अगर numerator में 2 add करेंगे तो x plus 2 हो जाएगा, denominator में 2 add करेंगे तो y plus 2 हो जाएगा, तो fraction हो जाएगा numerator upon denominator, but fraction is given 9/11। तो ये हमारा first case है और ये हमारी equation है। सब बच्चों को समझ में आया नहीं आया? Yes sir, आ गया ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 11x प्लस 22 9y प्लस 18, सो 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू माइनस 4, दैट इज माय फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा देखो दूसरा इक्वेशन क्या कह रहा था बेटे, आपसे क्या कह रहा है सब बच्चों से, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर। हां भाई, 3 इज एडेड, तो न्यूमरेटर में 3 ऐड करोगे क्या होगा, x प्लस 3,
यस और डेनोमिनेटर में ऐड करोगे तो क्या होगा 5 प्लस 3 और फ्रैक्शन कितना हो जाएगा बेटे 5/6 यस देखो केस 2 सिंपल बस इतना ही करना था बच्चे केस 2 x plus 3 upon y plus 3 is 5/6 ये आपके पास 2 है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे 6x 18 5y 15 तो क्या हो गया बेटे 6x minus 5y is equals to 15 minus 10 minus 3 ये बेटे हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है 11x 9y और ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है सॉल्व तो सब कर सकते हैं बच्चे यस सर हां भाई यस सर तो ये हमारे पास ठीक है Yes, ये हमारे पास चलो एक इक्वेशन बनाओ जल्दी से सर y की वैल्यू 9 और x की वैल्यू 7 y की वैल्यू 9 और x की वैल्यू 7 अभी चेक करते हैं 10/12 यस 5/6 गुड और आपने क्या कहा 9 7 ठीक है शाबाश सर y x x 7 y 9 गुड दोनों का आंसर सही है बहुत अच्छे चलो जी एक और बताओ जल्दी से देखो इक्वेशन बना के दिखाना मुझे फटाफट से है ना जल्दी से इक्वेशन बना के दिखाना यस ये बात चलो जिससे मैं कहूंगा वो बताएगा ठीक है कुछ बच्चे तो बोलते ही नहीं है सर आप कितनी आवाज दे लो हम तो बोलेंगे ही नहीं हमने बोलने का रोजा रखा हुआ है भाई यस देखते हैं कौन आवाज पे सुनता है हमारा हाँ जी सर पहली इक्वेशन है नहीं तौहीद तौहीद बताइए इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर इफ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1 तौहीद इक्वेशन बताओ सुमैया आप बताइए बेटे सुमैया सर हो गया श्रेया शफी बोल रहे शादान शादान संगे मित्रा सब खामोश जी आप बताओ ना यस सर इतनी आप अच्छी आवाज में नहीं बोलना है जल्दी से आंसर देना यही तो प्रॉब्लम है जब बोलना होता है तब चुप हो जाते हो इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर x y इक्वेशन मार लेंगे फर्स्ट ऐसे न्यूमरेटर में x प्लस 1 कर देंगे और हां न्यूमरेटर में 1 प्लस करो सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर माइनस 1 करो फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1 ये पहली इक्वेशन है खत्म फिर आपसे क्या कह रहा है इट बिकम्स 1/2 फ्रैक्शन इज 1/2 कब 1/2 हुआ Only add 1 to the denominator. इसका मतलब numerator unchanged है. X upon y plus 1. Denominator increase. Yes, very good. शाबाश. ये second equation है तो बोलते क्यों नहीं आप सब बच्चे? Doctor Lamia समझ में आ रहा है? Lamia जी आप हैं? नहीं. Yes sir. समझ में आ रहा है सर नहीं ज्यादा नहीं क्यों मेरी इंग्लिश तो अच्छी नहीं है आप बच्चों की इंग्लिश तो बहुत अच्छी है माशाल्लाह से व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर बेटे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस बताओ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस व्हाट इज न्यूमरेटर सर ऊपर वाला हाँ मतलब हम क्या कंसीडर करते हैं बस ये दिमाग में रखिए ना बेटे हम हमेशा न्यूमरेटर को एक्स लेते हैं बेटे
और डेनोमिनेटर को हम y लेते हैं, ठीक है, ये हम हमेशा दिमाग में रख के चल रहे हैं। अब हमसे क्या कह रहे हैं, वी आर एडिंग वन टू द न्यूमरेटर, तो इसका क्या मतलब हो गया बच्चे, n प्लस वन, x प्लस वन, है ना, ओके, एंड सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम द डेनोमिनेटर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, y माइनस वन, यस ऑब्वियसली y माइनस बेटे, ठीक है, तो हमारा न्यूमरेटर हो गया बेटे x प्लस वन, डेनोमिनेटर हो गया y माइनस वन, तो व्हाट इज द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन होता है न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर, तो इनको अपॉन कर दीजिए, सर आंसर आ गया, आंसर आ गया, लेकिन आपसे वैल्यू क्या कह रहा है, एक सेकंड बेटे, ए फ्रैक्शन रिड्यूस टू वन, तो फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी हो गई बेटे, वन, वन इज इक्वल टू वन रख दीजिए बेटे, अब बताओ आपको क्या चीज समझ में नहीं आई इसमें, अब समझ में आया या नहीं आया, अभी मतलब वो इक्वल हो गया, यस रिड्यूस टू वन, देखो दो चीजें हैं बेटे, आप सब बच्चे, मैं वही तो कह रहा हूँ, मेरी तो इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, बट आपकी तो होनी चाहिए ना, एक्चुअली दो चीजें हैं बेटे, आप सब बच्चे देखो समझ लो, ये वर्ड एक अपने आप में बहुत अच्छा है, क्या वर्ड है, एक टर्म होता है बेटे रिड्यूस बाय, ठीक है, रिड्यूस बाय वन, और एक होता है रिड्यूस टू वन, दोनों में क्या फर्क है, कोई बच्चा बताएगा, हाँ जी सर आवाज आ रही है, यस सर मैं कह रहा हूँ आंसर बताऊं, हाँ आंसर भी पूछेंगे, देखो इधर एक मिनट सलमान, सलमान एक मिनट, ये बहुत अच्छा वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है बेटे, आप सब बच्चे प्लीज समझ लीजिए, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन पे दो चीजें आती है, एक आता है रिड्यूस बाय और एक होता है रिड्यूस टू, तो जो लामिया कंफ्यूज हो रहे थे, अगर हमसे कह दे फ्रैक्शन रिड्यूस बाय वन, तो अगर आपसे कह रहा है कि फ्रैक्शन रिड्यूस बाय वन, इट मीन्स नाउ माई फ्रैक्शन इज एक्स बाय वाई माइनस वन, जो हमारा पहला फ्रैक्शन था ओरिजिनल फ्रैक्शन x by y, अब उसमें माइनस वन हो गया, तो समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, हेलो जी सर, ठीक है, y माइनस वन मींस प्रीवियस वैल्यू में से आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, लेकिन अगर आपसे कह रहे हैं कि फ्रैक्शन रिड्यूस टू वन, तो फाइनली टोटल वैल्यू इज वन, वट एवर इट वॉज बट नाउ इट रिड्यूस टू वन, लामिया yes, sir. समझ में आ गया बेटे, यस सर समझ आ गया, दैट इज तो वैल्यू विल बी बेटे 1 व्हाटएवर इट वाज, हमें उससे कोई मतलब नहीं, बट नाउ इट बिकम्स 1, तो वी विल पुट हियर 1, अच्छा बताओ जल्दी से मुझे सेकंड इक्वेशन क्या होगी बेटे एज पर द कंडीशन, एक मिनट नाम यहां को बोलने दीजिए, इट बिकम्स 1, जो बच्चे नहीं बोल रहे प्लीज वो देखो, जो नहीं बोल रहे हैं नहीं मुझे बता रहे हैं वो अपने आप देखो, इट बिकम्स 1/2 बेटे, the fraction becomes, और उसी को highlight भी करो, it becomes 1/2, means fraction becomes 1/2, so it is now 1/2, ठीक है, but fraction हमारा है क्या, fraction हमारा x by y, अब x by y में कुछ change कर रहे हो तभी तो 1/2 है, क्या कह रहा है, if we only add 1 to the denominator, तो numerator में change नहीं हो रहा है, denominator में change हो रहा है, बताओ क्या लिखूं यहाँ पे लामिया, x upon y plus 1, yes good, कुछ करना ही नहीं था बेटे, तो ये बाबा सेकंड इक्वेशन, बताओ सब बच्चे बाकी भी सब, yes sir, good, चलो एक क्वेश्चन बताओ, ऐसे नहीं बात बननी है सर, लिंक आ गई दूसरी का, अरे आने दो सर, केमिस्ट्री क्लास, हां होने दो, केमिस्ट्री क्लास ज्यादा फेवरेट है शाजिया में, मुझे ज्यादा फेवरेट होनी आप लोगों की, नो सर, शाजिया में को एक हफ्ते की छुट्टी भेज दूंगा फिर मैं, ठीक है, शाजिया मैम का छुट्टी भेजता, मैंने कहा मैम एक हफ्ते आप नहीं लेंगे 10th वाली क्लास, बच्चे आपको ज्यादा फेवरेट बना के बैठे हुए, चलो देखो जल्दी से मुझे इक्वेशन बता दो फिर मैं परमिशन दे दूं, जल्दी से कौन बताएगा फटाक से पहली इक्वेशन क्या है, ठीक है, कौन बनेगा करोड़पति, केबीसी मर्जी आप बताओ, ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर,
and it becomes 1 by 4 when 8 is added to the denominator. Sir, x minus 1 y is equal to 1 by 3 and x upon y plus 8 is equal to 1 by 4. शाबाश बाकी सब बच्चे बताओ बात सही है क्या यस सर यस सर फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 एज वर्ड बाय वर्ड व्हेन 1 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर डेनोमिनेटर की कोई बात कर ही नहीं रहा है फर्स्ट इक्वेशन दैट्स इट एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डेनोमिनेटर y plus 8 न्यूमरेटर की बात ही नहीं कर रहा है बताओ सब बच्चे समझ में आया नहीं आया Yes sir. Yes sir. सब करेंगे अब? Yes sir. Chalo yes sir. All the best, inshallah. Next class में फिर बात करेंगे, ठीक है? अब दो दिन आपके पास Saturday Sunday छुट्टी है, ऐश है पूरी. लेकिन अगर आपको किसी भी टॉपिक में कहीं पे भी कुछ भी हेल्प चाहिए, पूछना है, पूछ सकते हैं, ठीक है? लेकिन Saturday Sunday आपका कोई ना कोई टेस्ट रहेगा. अभी मैं अनाउंस करवाता हूँ थोड़ी देर में. साइंस का टेस्ट हुआ था पिछला या नहीं? No, सर. देना नहीं देना सकते सर नहीं सर नहीं सर स्कूल में बहुत सारा काम है अच्छा ठीक है इस हफ्ते नहीं अगले हफ्ते मैच का कल हुआ ओके अल्लाह हाफिज सर सर चैप्टर 4 पर आ जाते हैं हैं क्या सर चैप्टर 4 चैप्टर 4 आया पढ़ती है नहीं चैप्टर 4 चैप्टर 4 चल रहा है 7 बजे क्लास लूंगा मैं दूसरे बैच में उसमें ज्वाइन कर लेना हां ठीक है तो तब तो ऐसी क्लास है हैं क्लास है 7 बजे है 7:30 बजे दूसरा बैच उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा है किसी को भी ज्वाइन करना है कर लो 7:15 पे लूंगा तकरीबन ऑल द बेस्ट